मंगलवार से चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने के साथ ही इंदौर शहर सहित जिले में कोरोना रूपी संकट के बीच शक्ति की उपासना 9 दिनों तक जारी रहेगी। जहां जनता कर्फ्यू के चलते पुलिस के पहरे में माता का पूजन हर दिन होगा। हम आपको बता दें कि इस बार नवरात्रि अश्विनी नक्षत्र में शुरू हुई और 27 नक्षत्रों में सबसे पहला है। इस दिन से राक्षस नाम का 9 संवत्सर प्रारंभ हुआ, यानी हिंदू नववर्ष ही आज ही के दिन मनाया जाता है। वर्ष भर में 2 गुप्त और 2 प्रकट नवरात्र मनाई जाती है। इस बार दुर्गा अष्टमी 20 अप्रैल को और महानवमी अर्थात रामनवमी 21 को है। इंदौर के प्रसिद्ध श्री बिजयसन माता मंदिर के पुजारी सतीश गोस्वामी ने बताया कि हर वर्ष नवरात्रि के त्यौहार पर यहां भारी जन हुजूम लगता है, किंतु बीते वर्ष में कोरोना के प्रकोप के चलते माता का पूजन विशेष व्यवस्थाओं के बीच हो रहा है। इस बार भी जनता कर्फ्यू लगने के कारण भक्तों की आवाजाही बंद है, यानी कि धार्मिक स्थलों को जिला प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक बंद कर दिया गया है। इंदौर से देवेंद्र खन्ना के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। पहला दिन है और किस तरह से लोगों को रोका जा रहा है और दर्शन। आज नवरात्रि का पहला दिन है और बहुत बड़ा दिन है। साल नया, अपना हिंदुओं का नया साल भी है, पर ऐसा संकट का समय है जो कोई भगवान के पास भी नहीं आ पा रहा है। ये बीमारी ऐसी है कि तुरंत ओला हो रही है, इसलिए प्रशासन ने गाइडलाइन निकाली है कि माता जी के कोई धार्मिक स्थान सही बंद कर रहे हैं, उन्हें भी अभी दर्शन नहीं होंगे। तो जनता से यही निवेदन है कि भैया घर से ही माता जी को प्रणाम करें और वहीं से मन्नत मांगे, वहीं से पूजन करें, तो जनता से आग्रह है हमारा। पंडित जी देखा जा रहा है पर अभी भी दर्शन कर रहे हैं छोटे छोटे, क्या है पहला दिन हर घर में जो घर से माता जी बिठाता है, पहले माता जी दर्शन करता है, फिर यहाँ से नोत के घर पर पूजन करते हैं। जिनकी परंपरा बनी है वो नहीं मानते जो उसे आ रहे हैं। तो पूजा पाठ की कैसी क्या तैयारियां हैं और कैसे पाठ होंगे? सुबह हमारे यहाँ 4 बजे माता जी की घर स्थापना हुई है, 6 बजे आरती। अब दिन में माता जी के दुर्गा सरस्वती के पाठ होंगे और शाम को फिर आरती होगी, फिर रोज विशेष श्रृंगार होंगे। वही क्यों पुजारी सत्य तो बस। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।